वालेकुम अस्सलाम। दिल करता है दादी को मुबारक दे। ये माशाल्लाह बस्ती शुरू हो गई है। ये सब उम्मीद है आप सब ठीक रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से हम भी ठीक है माशाल्लाह से। आज सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से फिर से रोजा मुबारक। और अब माशाल्लाह से जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे घर में बहुत बड़ा सरप्राइज आया हुआ है। आज हम वो आप लोगों से शेयर करने वाले हैं कि वो सरप्राइज किसका है। और जिसका भी है वो सरप्राइज है हम ओपन कर रहे हैं। वो जा रहे हैं अबू जान और फरमान जा रहे हैं देने के लिए। जिसका भी है तो आप लोग ने एंड तक वीडियो देखने, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। माशाल्लाह से हमारा जो व्लॉग है वो बहुत ही अच्छा होगा बनेगा। आप लोग इंतजार में रहिएगा और देखते रहिएगा कि सफर किस तरफ जा रहा है। आज सबको पता चल जाएगा कि ये रिक्शा किसका है। माशाल्लाह अबू जी रेडी है। हाँ जी चले इंशाल्लाह सबको दिखाएंगे। हाँ जी उनके खुशी भी दिखाएंगे, उनके बातें भी सुनवाएंगे जी। तो जिसको दे रहे हैं और जिसका सरप्राइज है वो सब ओपन करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दुआएं करवाएंगे सबके लिए जी। माशाल्लाह हाँ जी बड़ा सरप्राइज है यार, उठाया नहीं जाता। हाँ इसलिए खड़ा हुआ है। बड़ी मुश्किल से बंदे बुलाए हैं। हाँ वो उठा के ले जाएंगे, उड़ा के ले जाएंगे। हाँ जी तो उधर जाके ना इंशाल्लाह उनके हवाले करेंगे जी जी। किस्मत वाले हमारे खास। हाँ जी नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लेना अभी। ये तो सरप्राइज जाके पता चले। वैसे तो थंबनेल पे आ जाएगा किसका है, लेकिन जब वीडियो आएगी तो पता चल जाएगा ना। हाँ हाँ पहले तो नहीं बताना ना, जब वहाँ पहुँचेंगे तो फिर सबको पता चल जाएगा। हाँ जी इंशाल्लाह 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 वीडियो माशाल्लाह पूरी देखेंगे आज बहन भाई जी। कि सरप्राइज किसका है, किसको देने हैं, कौन कौन गए हैं। हाँ जी और क्या क्या बातें हुई हैं, क्या खुशियाँ हुई हैं, क्या दुआएं हुई हैं, सब इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और माशाल्लाह रमजान मुबारक के महीने में इतना बड़ा गिफ्ट आया। हाँ जी बहुत खुशी की बात है, बड़ा। हाँ जी वो कहती थी फूफो के चलो उनको तो जब देंगे देंगे, आप सब घर वाले बताएं आप सबको कैसा लगा ये गिफ्ट। हाँ, आपको तो कितनी खुशी हुई। हमारी तो खुशी की इंतहा नहीं रही। हाँ जी उनकी खुशी में हमारी खुशी। हाँ जी अपना ही है बिल्कुल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक ऐसे ही सरप्राइज देता रहे, खुशियाँ मिलती रहे। चलो हम अभी फिर रेडी होते हैं जाने के लिए। सफर भी है और ऊपर से गर्मी भी हो रही है। गर्मी भी हो रही है, रमजान भी है। कल भी सफर में बहुत मुश्किल हो गई थी। रात भर हम बेहोश पड़े रहे। जाना तो कल था, कल आप उधर चले गए इसीलिए लेट हो गया। हाँ इतने रात को बुखार था ना, मुझे इतनी ठंड लगी बहुत ज्यादा, सर में बहुत ज्यादा दर्द था, सारे रात चीखती रही। रात तो मैं वीडियो भी आप लोगों की जो वीडियो थी वो तकरीबन 10 बजे डाली है। इरफान भाई ने मुझे जगाया, फरमान भाई क्या हो गया। मैंने पहले वीडियो देखा और मैंने कहा अपलोड तो इकड़ी आया, अभी तक डाली नहीं है। हाँ फिर मैंने कहा सो गया, उठेगा पता नहीं, टाइम टेबल होगा। टाइम टेबल रोजाना आते थे ना त्रावियों से 9:30 बजे डाल देता। तो जो उस टाइम अपलोड की थी मैंने फिर तो अपलोड कर, मैंने कहा जब तक मैंने देखा 10 बजे उस वक्त वो अपलोड हो गया। हाँ उसी टाइम फिर मैंने डाल दिया था। चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अभी रेडी होते हैं। हाँ जी चलते हैं जी, हो जाए रेडी इंशाल्लाह करेंगे जी। वापसी 1 to 5 हम अपनी बाइक ले जाएंगे ना, फिर वो रक्षा उनको दे के वापसी बाइक ले जाएंगे। हाँ जी इंशाल्लाह आज इंशाल्लाह वापसी तो आज ही आना है ना, हमने अफ्तारी टाइम आ जाएंगे, अफ्तारी करनी है माशाल्लाह। उधर जाके उनको देना है, वीडियो बनानी है, उनसे बातचीत करनी है, फिर उनको समझाना समझना है कैसे चलाना है किस तरह। फिर जो जान पहचान है कारोबारी लोग हैं वहाँ पर उनसे रब्ता होगा, उनका चाचू का आपके जब भी कोई काम हो बुलाना। वहाँ पे जो बड़े हैं जी नंबरदार हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। हाँ कहेंगे कि इनकी
हिफाजत करना जी जी को लाज में रखा है क्या बात नहीं हर इलाके के अपने बड़े होते हैं ना जैसे कि हर हमारे इलाके के ये बड़े हैं क्या है यही तो कह रहे हैं ना देंगे और जो भी उनके बड़े होंगे उनसे कहेंगे ना इनके नहीं फरमान भाई से कॉल दिया साला अब साथ ओके चाचू को देंगे उनके जाने कारोबारी वो ना तो आपने पहले बता दिया अच्छा कोई बात नहीं कोई बात वीडियो तो वैसे ही जा रही है तो चल जाएगा हाँ वैसे मैंने कह दिया ना कि वीडियो जब जाएगी तो वीडियो जब जाएगी सबसे पहले थंबनेल पे तो वही खड़े होंगे ना तो लोगों को तो थंबनेल से ही पता चल जाएगा ये तो नहीं मालूम चाचू कौन सा है काफी चाचू हैं जो भी आपसे बड़े हैं वो चाचू हैं मेरी बात समझ नहीं रहे जब हम थंबनेल बनाएंगे वो हमें समझ आ गई है तो फिर पहले ना बताओ पता तो चल ही जाएगा जब थंबनेल जाएगा तो पता चल जाएगा ये हाँ तो फिर वीडियो में छुपाने का उनकी खुशी कितनी हुई कैसी क्या क्या बातें हुई किसने दिया है कहाँ से आया हाँ कैसे आया सब कुछ ये देखेंगे जी इंशाल्लाह हाँ जी ड्राइवर साहब यही है हाँ जी ये ड्राइवर हैं अच्छा रक्षा छोड़ के आएंगे माशाल्लाह चला लेते हैं माशाल्लाह तनवीर भी खुद चला लेते हैं हमें तो पता ही नहीं था टेंशन नहीं है हाँ जी हाँ जी चला लेते हैं चलो हम यहाँ बाइक पे चले जाएंगे जी ये रक्षा ले जाएंगे वापसी को इनको बाइक पे टंग के आ जाएंगे हाँ टंगेंगे चलो ठीक है रेडी हो गए हैं चलो करो स्टार्ट अब कैसा लग रहा है बेहतरीन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी अब हम जा रहे हैं इसको जो है मुनीब इसको कपड़ा लगाओ यार चमका दो एक बार खाली का तो रास्ते हाँ ये जी रक्षा है माशाल्लाह ये हम जा रहे हैं लेकर इसको चमका दो एक बार पता चले कि माशाल्लाह माशाल्लाह हाँ कपड़ा लगा लिया मुनीब कपड़ा लगा लिया चमका लिया आपको तो पता आपको तो पता होना चाहिए था यार यार बांध रहे थे इशारा था ही होएगा अच्छा अभी चलाएंगे इशारे बंद करने का पता नहीं है नहीं ये आपने वो बैक वाला दबाया हुआ है ना बैक वाला नहीं है गियर का तो बस नहीं है हाँ गियर कोई है इधर की ऑफ करके दोबारा ऑन करो वाला भी करो हाँ फिर पता चल जाएगा शायद कितना लेते हाँ इशारे बंद है आप चलो गेट खोलो मुनीब जाओ गेट खोलो ये जी माशाल्लाह स्टार्टिंग सीधा सीधा कितनी बनी और चौक क्या पहन हाँ ऐसे अब ऐसे सीधा घुमाई जाओ बस ब्रेक बंद हो गई अब सीधा चलो सब चलो चलो हम बाइक पे आते हैं Yeah.
अब देखेंगे। चलो जी। अच्छा अम्मी जान, दुआ करना खैर से, रक्षा ले जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह दुआ करेंगे, खैर खुशी ना पहुंच जाएंगे। हाँ जी दुआ करना, बस ये ड्राइवर को लेके जा रहे हैं। तनवीर भाई कहते हैं मैं चला लूंगा, तो हमने कहा चलो ठीक। हाँ हाँ, अब घास काटने गई थी। हाँ धूप हो गई है, अभी रेस्ट कर लें। हाँ वो देखें जी, रेडी पर घास खड़ा हुआ है। चलो सही है। माशाल्लाह रक्षा भी आगे, हमने एक जगह खड़ा कर लिया, और मिठाई वगैरह भी लेनी थी तो मिठाई लेने पहुंच गए हैं। हमने हमने कहा चलो मिठाई भी ले रहे हैं, बच्चों का मन था। हाँ जी हाँ जी इंशाल्लाह। तो अभी जो है मिठाई हम पैक करवा रहे हैं, तो तनवीर भाई को मैंने बोला कि आप रक्षा आगे खड़ा कर दो, अभी जाना नहीं है वहाँ, अकेले हम साथ जाएंगे। तो मिठाई मिक्स हो रही है माशाल्लाह। ये माशाल्लाह बस्ती शुरू हो गई है, और ये देखें सारी रोड है इस तरफ, और बहुत बड़ी बस्ती है माशाल्लाह। स्कूल भी इधर ही है, ये सामने जो ये स्कूल है, और ये सारे बस्ती घर सोलंग वगैरह। ये सामने स्कूल है बच्चों वाला, जहाँ पर मेरे जा चुके घर वाले बच्चे जितने भी हैं सारे पढ़ने आते हैं। और ये सामने देखे सीधी सोलंग जा रही है अभी। माशाल्लाह बन रही है, छत डाली जा रही है। हाँ जी, तो ये इधर तक जो है देखें सारी बस्ती बस्ती आ रही है, और आगे जो है वो सामने घर है, थोड़ा सा रास्ता है जो रेत वाला है बस, वो सामने दूसरा जो घर है ना देख लो, वो वाला उनका है। चला जाएगा रेत में स्पीड चला ले। रेत से जो है वो लेके जा रहे हैं। तो माशाल्लाह रक्षा फैमिली फैमिली हम लेकर दादी के घर में पहुंच चुके हैं, और वो देखे सब देखने आ गए कि कैसा रक्षा है। चल यार आगे जाने दो जाने दो।
नहीं फंसेगा। चलो ये देखें जी माशाल्लाह, ये ले यार चाचू जी, मेहरबानी जनाब मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, आप सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुबारक मुबारक तो आपको, मुबारक तो आपको, मुबारक मुबारक तो आनिया पुरी चाहे वजह वजह तो आपको मुबारक। चल ठीक, मुबारक दे रहा कैसे हो? खैर मुबारक, खैर मुबारक, वालेकुम अस्सलाम, मुबारक मुबारक, खैर मुबारक, आप सबको मुबारक हो माशाल्लाह। बहुत बहुत साजिद खान, सीधा नाम बताओ ना, अब साजिद खान बन गया। हाँ जी साजिद खान बन गया। हाँ तो माशाल्लाह देखें पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश है पप्पो जान, और हमने पहले खबर कर दी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो यही खुशी जो है और खुशियां दे दे अल्लाह, कामयाब करे अल्लाह सब खुशी दे, ऐसी खुशियां और भी आए। आमीन आमीन इंशाल्लाह। दादी कितनी आप बहुत खुशी हुई ना, ये रक्षा आपके लिए गिफ्ट आया है, चाचू चलाए बड़ा चाचू चलाए, आपके नाम का रक्षा है, जिस बेटे से चलवाएं आपकी मर्जी है। अब इंशाल्लाह रोजी करनी है इससे, दुआएं इस रक्षे जितना जितना कीमत है उतनी दुआएं। हाँ जी तो माशाल्लाह ठीक हो, बढ़िया सेट है। ये मिठाई है, मुंह मीठा कराना अफ्तारी टाइम, ठीक है। चलो फिर उधर बैठे हैं और कुछ बातें शातें करनी है हमने, दुआ भी करवाना है। ओए इतना बड़ा रक्षा माशाल्लाह। हाँ तो साहब ने माशाल्लाह रक्षा अच्छी तरह से देख लिया है। अच्छा माशाल्लाह सब बहुत खुश हैं। हाँ जी सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है माशाल्लाह, जब बार बार दिल करता है दादी को मुबारक दे। आज बताओ तो कितनी खुशी है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हर टाइम दिल में, जब भी आप जहाँ भी जाएंगे आपके दिल में हो कि हमने उनके लिए उनके बेटे के लिए अफ्तारी के वक्त जब भी हर वक्त दुआएं करनी है, सब ने मिलकर दुआएं करनी है, और खास तौर पर अम्मी से रिक्वेस्ट है हाँ उनके लिए दुआएं करें, क्योंकि माओ की दुआएं जल्दी अल्लाह पाक कबूल करता है। हाँ वो बहुत परेशानी से गुजर रही है, उनकी ये परेशानी दूर हो जाए, परेशानी दूर की खुशी आ गई, अल्लाह पाक आपको खुशियाँ दे, रिस्क में बरकत अता फरमाए, आमीन। आपके रिस्क के लिए हमारी बहन है, आपको मैं बता दूँ हमारी बहन है अमेरिका से, खदीजा उनका नाम है। हाँ जी उन्होंने ये आपके लिए गिफ्ट किया है। हाँ जी तो उन्होंने अपने बेटे के लिए ये दुआओं के लिए किया है, उनका बेटा है ज़हनी तौर पर दिमागी तौर पर जो उनको सदमा पहुंचा है। हाँ जी सदमे से निकाले, आमीन, तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन, अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे और माँ का सहारा बन सके, आमीन। आप खुश हैं, हम सब खुश हैं, इसी तरह अल्लाह पाक उन्हें भी खुश कर दे, आमीन। अम्मी जान दुआएं करें ताकि मेरा बेटा ठीक हो जाए और मैं मुसलमानी तरीके से उनकी शादी करूं, उनके बच्चे देखूं। अल्लाह करें अल्लाह करे जो सारी दुनिया सब खुश देखो, वो भी बच्चा खुश रहे होंगे नाल ठीक ठाक थी बने, वो बच्चिया को जिंदगी वालों की बताए इंशाल्लाह। अकेला ही हमारी बहन का सहारा है, और कोई सहारा नहीं है उनका, ना कोई बेटी और है ना बेटा है ना कोई रिश्तेदार है,
अकेली हमारी बहन है, 70 साल उम्र हो गई, खुद कमाती है। हाँ जी। खुद ही घर का सरपट चलाती है। जो भी है हमारा वो बेटा हो गया, बेटे का दिमाग इतना काम नहीं करता कि मैं कोई काम करूं या कोई देखभाल करूं घर की या किसी की। हाँ जी। बहन काम नहीं करता, इसीलिए वो दुआओं के लिए कहती है, रमजान शरीफ महीना है, अल्लाह पाक इस माह रमजान के सदके बेटे को, हमारे बेटे को सेहत अता फरमाए। जी आमीन। अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके सबको शिफाए कामिल अता फरमाए। आमीन। उसी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उसे सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन। सब दुआएं करनी है आपने, ठीक है। अम्मी जान का नाम है खदीजा, हमारी बहन है, उनका नाम है खदीजा, और जो हमारा बेटा है उनका नाम है खालिद। हाँ हर वक्त उनके लिए दुआएं करनी है, जब भी नमाज पढ़ें, रोजा रखें, अफ्तारी करें, जब भी दिल में हर वक्त दुआएं करनी है, सबसे मिलकर दुआएं करनी है, ठीक है। हाँ जी। अल्लाह पाक उन्हें सेहत अता फरमाए। ये आपके लिए रोजे के लिए है, इसको रोजाना जितना दिल लगा कर काम करोगे। आमीन। हाँ जी। और चाचू हमारे बड़े बोझ में अभी भी काम पर है। वो काम पर है, वो पानी लगाया हुआ है, अभी कॉल किया तो उन्होंने कहा मेरी मजबूरी है, मैं नहीं आ सकता। हाँ। चलो हम उनकी उसके लिए मुबारकबाद दी, अम्मी को दे देते हैं। आप उनको भी मुबारकबाद दे देना, फोन पर तो मुबारकबाद दे दिया है, माशाल्लाह बहुत खुश हो रहे थे। हाँ जी। और साजिद भाई आप सुनाए, आप खुश हैं नहीं हैं, कितने खुश हैं? तहे दिल से खुश हूँ। तहे दिल से, माशाल्लाह। ये 3 महीने पहले इसने मुझे फोन किया था। हाँ। कि मैं दुकान लगाना चाहता हूँ या मैं रक्षा लेना चाहता हूँ। हाँ जी। मुझे आप या दुकान लगवा देते हैं या रक्षा। मैंने कहा यार मेरे इतना फुर्सत नहीं है। हाँ जी। दुकान जो है ना, दुकानदारी बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। आजकल उधार ये वो खा जाते हैं लोग, देते नहीं है। मैंने कहा कुछ कोशिश करते हैं रक्षे के लिए, और दिली ख्वाहिश थी अम्मी की भी, हमारे भाई की, बच्चों की, तो अल्लाह पाक ने सुन ली। हमारी बहन ने भी हमारी वीडियो में ये जिक्र सुना। हाँ जी। और हमारी बहन ने इतना बड़ा सरप्राइज हमें दे दिया कि जिंदगी भर नहीं भूल पाए। हमें जिंदगी भर ऐसा सरप्राइज नहीं मिला, ऐसा सरप्राइज नहीं मिला, हमने नहीं देखा। हाँ जी। माँ बहन की दुआ चाहिए, इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब दुआ करेंगे आपके जो है हालात बेहतर हो जाए। तो इसको जो अच्छी तरह चेक करें, कैसा लग गया आपको सबसे पहले ये बताना है। मैंने चेक किया है, बहुत अच्छा है। हाँ जी। ऐसा भी है हमारे लिए भी रोजगार है। हाँ जी। तो ये जो टायर है ना, आगे वाला टायर, ये पीछे भी एक है, अगर उसको कोई मसला बन जाए। लगा हुआ है ना, आप ये चेक करें कि दूसरे रक्षे भी देखे होंगे, इसकी ट्राली होती है 6 फुट की। हाँ। उसकी बॉडी 7 फुट है, आप लोड कर सकते हैं, ज्यादा वजन नहीं डालना है इस पर। हाँ जी। रेत में ज्यादा जोर नहीं लगवाना है, अपनी रोजी करनी है डट के। हाँ जी। पे एतमाद नहीं करना है कि चाबी दे दिया चलो भाई आप ले जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सुबह सुबह आप निकले अल्लाह का नाम लेकर, नमाज पढ़ कर, हाँ, दरूद शरीफ पढ़ते हुए, इंशाल्लाह बरकत देगा, रोजी देगा इंशाल्लाह। आप बाकी जो भी है एहतियात से चलाना है, देखभाल जरूर करनी है, ये आपकी चीज है, किसी दूसरे की नहीं है। हाँ, फिलहाल ये दादी का है, ये नहीं कहना ये मेरा है या चाचू का है, मेरा ये दादी का है। हाँ। वो मैं बताता हूँ, पहले उसे समझा रहा हूँ। ये फिर पहले वजन हटा लें। हाँ, ये वजन उठा के ये दादी के हाथ में दें, ये मिठाई है, और हमारी फूफो जो है बहुत दूर है मिठाई, तो हम उनके लिए लेके आए थे। हाँ जी। वो कहती हैं कि मेरी ये अम्मी है, बल्कि अम्मी नहीं है, मुझसे भी छोटी है, मेरी छोटी बहन है। हाँ। वो मिठाई उनको दे दी तो एक बहन को मिल गई। हाँ। तो समझो उन्हीं को मिल गई जी। अम्मी जान ये उनके लिए, उनकी तरफ से मिठाई है। हमने कॉल की साजिद को कि मिठाई लेकर रखो, आ रहे हैं, कहते हैं हमारे पास मिठाई कभी पहले, इतने बड़ी लेकर गिफ्ट दे रहे हो तो मिठाई खुद लेके आओ। वाह वाह, मिठाई लेके आए हैं। हाँ जी। चलो अम्मी को दे दी, बच्चों को शाम को दे देना, अफ्तारी के टाइम सबको खिला देना, दुआएं करना, ठीक है। हाँ, ये फिलहाल रख दो, ना उठाओ, और बाकी आगे का इसको समझा दें जो भी हो। बाकी जो मैं कह रहा था ना, मेरी अम्मी की जो फरमाइश है, नसीहत भी है, रक्षा जो है वो आपका ही है। चाबी किधर है? मेरे पास है। हाँ, ये चाबी दे। चाबी जी अम्मी के हवाले करते हैं। हाँ जी। ये रक्षा सिर्फ आपकी मिल्कियत है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप उस बेटे से चलवाएं या बड़े बेटे से चलवाएं। हाँ जी। मेरा इसमें कोई दखल नहीं है, क्योंकि हमारा भी नहीं है ना। और सब मेरी बहनें भी इधर जो खड़ी हैं वो सुन रही हैं, जो नहीं भी हैं उनको भी बता देना कि उनकी नसीहत है, बहनें अपने अपने घरों वाली हैं।
हाँ जी, जॉब भी अगर खुदा ना खासा बेचना पड़ता है या कोई ऐसा हो जाता है तो ये मिल्कियत दोनों भाइयों की। हाँ जी, मेरा कोई ऐसा नहीं है, दो भाई जो हैं वो आप आधा आधा करेंगे, ठीक है? पहले जब तक आप जिंदा है आप जिंदा है। पहले कौन था अल्लाह करे ना बेचे से भिरा बेचने के लिए नहीं। वैसे ये नहीं कहा कि बेच देना कभी, साथ रहे इत्तेफाक में रहे, अल्लाह पाक बरकत अल्लाह ना भी चेसे अल्लाह करे अपनी रोजी की रखते। मैं जैसी जीती बेटियां हाली तैयार को अब तो जिसकी मर्जी जिसको आपका भी पकड़ा दें। हाँ, आपकी मर्जी है, बाकी उनसे यही कहते हैं कि एहतियात करनी है, अपनी रोजी पर ध्यान देना है, किसी पर एतमाद नहीं करना, ना किसी को देना है ऐसे, अपने रोजी करनी है, उधार भी नहीं रखना किसी पर। हाँ जी, और किराया भी तय करके लेना है। और खास अहम बात जो भी है ना वो मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि पहली कमाई जो होगी ना, पहली कमाई, सबसे पहली कमाई वो आपने, आप आधी दे सकें, पेट्रोल निकाल के जो बचें वो दे सकें, या जितनी भी आपकी फुर्सत हो वो शोहदाए करबला की नियाज देनी है। सबसे पहले बच्चों में बांट दें, गरीबों में बांट दें, जो भी है सबको जो चीज़ पका सकें ले सकें, चाहे 100 रुपए की चीज़ भी ले के बांट दें। हाँ, उनकी नियाज लाजमी दें। पहले कमाई में बांटना है अल्लाह के नाम के। पहले भी सोच रखा था और आप भी कह रहे हैं इंशाल्लाह दे देंगे। हाँ जी, ये हमारी बहन जो है वो सैयदजाद हैं, वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल में से हैं, औलाद में से हैं। हाँ जी, उन्होंने कहा है कि हमारे बुजुर्गों के नाम की नियाज लाजमी दें। हाँ जी, आपने ये बात नहीं बोली। और चाचू को फौरन खबर दें कि आ रही है कॉल उसकी, ये और है नहीं, वो मलक के आ रही है, ये सुन लें। आपने कॉल की है ना चाचू को, मुबारकबाद तो पहले हो गई उनको, फिर रक्षा घर पहुँच गया, वो भी बहुत खुश था ना, उनको भी दुआओं के लिए कहना स्पेशल। हाँ जी, ठीक है, अभी धूप पर ना खड़े हो तो रक्षा आप अच्छी तरह चेक कर लें, ठीक है? और आज वो तनवीर भाई हैं जितने देर, तो वो आपको बताते रहते हैं, सीख लो कुछ, बाकी आप खुद चलाते रहना इंशाल्लाह। ज्यादातर होता है कि रोडों पे चलाना, किसी चीज से क्रॉसिंग करना, हाँ सीख जाओगे। वो अभी से ओ अब आपने इनसे रोजाना लेना है, घर का राशन भी सारा कुछ, सब्जी है, आटा ना हो। हाँ, हाँ जी, दुआ चाहिए हमें। हाँ इंशाल्लाह, रोजाना अम्मी से दुआ लेकर जानी है और फिर इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो अबू की कॉल आ गई थी, सुन लिया, अभी और भी बातचीत बाकी थी जो कि अभी दोबारा करने वाले थी कि समझा दिया उसको जो भी समझाना था। हाँ जी, बाकी जो काम करना है हमने वो करते हैं जी, हमारे जिम्मे जो है हम तो पूरा करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये जी हमने 2000 का पेट्रोल पहले बार डाला था। हाँ जी, 2000 ये है, हमारी बहन की ख्वाहिश थी कि एक बार टैंकी और भी भरवा के देना। हाँ, 2000 का डलवा देना टैंकी, भरी भरे या ना भरे। हाँ, ये शुरुआत करनी है काम पे, जब जाओगे ना ये पेट्रोल ऐसे नहीं कि अभी डलवा के चक्कर लगाते रहो, फिर कहेंगे हमारे ये घर में खड़ा हुआ है, ये हमारे पास पेट्रोल नहीं है, जाने कहाँ। ये अभी आज नहीं खा जाने, जब काम पे निकले ये पेट्रोल डाल के आपने काम करना है, काम करना है, ताकि दिहाड़ी से जो कमाए वो न्याल भी देनी है, और ये पेट्रोल डेली अपना निकाल लिया करें, भी इतना पेट्रोल लगता है। हाँ, बकाया जो होता है वो अम्मी को दें, घर में खर्चा करें, सौदे वगैरह लें, जो भी करना है कार। हाँ जी, पेट्रोल आपके पास हो, ये ना हो कि सारे खत्म कर दें फिर सुबह कहें पेट्रोल नहीं आएगी हम। नहीं, इसको खड़ा नहीं करना, मेहनत करनी है, लाजमी डेली काम करना है, दिल लगा के करना है। हमारी बहन को देख कर खुशी हो कि आज अब इनके हालात बेहतर हो गए। हाँ, क्योंकि अब उन्होंने कहा है कि ये ख्वाहिश है कि वीडियो में ये ना सुनूं कि घर के हालात अच्छे नहीं है या राशन नहीं है, क्योंकि अब रोजी का माशाल्लाह काफी अच्छा इंतजाम हो गया। हाँ जी, माशाल्लाह 1000-2000 लाजमी कमा के। हाँ, तो घर का सर्कल चल सकेगा जी, बाकी दुख सुख ये वो जो भी है अल्लाह पाक मेहरबानी। हाँ, करेगा। कभी कभी अगर दुख सुख में आना पड़ता है तो फैमिली को ले आए उधर हमारे घर में, लेकिन ज्यादातर नहीं कि इतना कमाओ और ऐसे ही खर्च कर दो, इतना नहीं करनी है, बस घर के बारे में सोचना है, घर को खुशहाल करना है। आज हकीकत में हमें खुशी है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए रोजी कमानी है, यही बात है जी। आप थक जाएं या कोई मसला होता है, तबीयत खराब होती है, तो सादिक भाई हैं उनको दे दें चाबी, चलें भाई आप आज आपकी बारी है।
और अपना नंबर लिखवा लेना, ये भी मेरी बहन की खैर है, पर अपना नंबर लिखवा लेना दोनों साइड। ये जो लिखे हुए हैं ये बेशक भी लिखवा दें, अपना भी लिखवा दें ताकि किसी को जरूरत पड़े वो रब्ता कर सके। जो भी आरती हैं, जो भी कारोबारी आदमी हैं, सबको नंबर दे दें। हाँ, हमारे बहुत ही दोस्ती है आप तो। हाँ, सब बस्ती वालों को दोस्त करीब करीब के जो चक हैं नंबर दे देंगे ना तो फोन कर लेंगे। हाँ भाई साहब, कहाँ वो हमारा फलां काम कर, आपका डेली का काम लगा रहेगा। ठीक है, आज से मेहनत करनी है, अब मेहनत करने के दिन आ गए। हाँ जी, हाँ जी, अब बड़े हो गए, छोटे नहीं हो बच्चे। अभी आपकी शादी भी करनी है, वो भी जमा करो। अब जमा करना है दस कमा के। मेरे ख्याल में 3 महीने रह गए ना कुर्बानी वाले। हाँ, 3 महीने रह गए, इसमें शादी का खर्चा जमा कर लो। आखिर जगह बनवाए थे, आखिर वाले शादी के यहाँ को ये करे थे। घर भी बनवाओ, शादी के लिए खर्चा भी इकट्ठा करो और दुल्हन का खर्चा भी आपने ही देना है। बात है वही है, मेरा आसरा नहीं करना, मेरे सर पे बैठ जाते हो। ठीक हो गया मुझे। ठीक है जी, ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया बहन का, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आज हमारी अम्मी सब बच्चे बड़े सब खुश हैं। हाँ जी, अल्लाह पाक हमारी बहन को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन। और उनकी जो दिली ख्वाहिशात हैं, जो मुरादें हैं, अल्लाह पाक पूरी फरमाए। आमीन। रमजान शरीफ के महीने में दुआएं करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हमारे बेटे को लाजमी सेहत याब करे। आमीन। मतलब वो बहन मेरी ने खसूसी तौर पर मुझे ये रिक्वेस्ट किया है और हुक्म किया है कि आपके जिम्मे है, आपने दुआएं करनी है और मेरा बेटा ठीक है। इंशाल्लाह, हमेशा हमारे दिल में है, हमेशा दुआ आखिर माँ है। करती है ना हकीकत में, जब वो मुझे मैसेज कर रही होती हैं, जो बातें होती हैं, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतनी आखिर जाए वाले वो सुन दे गई आखिर, और माँ दिल को लग दे जो तेरे बच्चे वाला हूँ, दे तेरा देखभाल कर दे, आखिर मुँह को पता हूँ, दे मेरी साड़ी। हाँ जी, सीखी दे आखिर हूँ। हाँ जी, बाकी उन्होंने ये कहा है कि मैंने सबसे छुपा कर एक किस्म का, कई बंदों को मदद मांगते थे, मैंने इनकार किया, आपकी खुशी की खातिर सबको पीछे करके ना आपके लिए मैं ये गिफ्ट किया है। हाँ, पहले उनकी ख्वाहिश थी कि नकद ले लेंगे, लेकिन नकद नहीं हो सका। हाँ, किस्तों पर ले लिया, इंशाल्लाह किस्तें भी अदा हो जाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, दुआ करना अल्लाह पाक उनकी सेहत वाली लंबी जिंदगी करे, ये काम तो होते रहेंगे। सही ठीक थी वजे, उनका बेटा भी ठीक थी वजे, आमीन। आपका भी बेटा है, समझे बेटा समझ कर, जैसे हमारे बेटा है तो साढ़ा बहन हमारे लिए दुआएं करती है ना। हाँ जी, हमसे बढ़कर उनके लिए दुआएं करनी। हाँ जी, अगर हूँ बेटा नहीं, वो साढ़ा बेटा है, अगर बेटा सारी औलाद है, अगर उनकी औलाद सारी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो एक बार फिर से।